धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, पिछले दिन मैंने कई वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। तीसरा भाग, आज ये चौथा भाग शादाब के ऊपर मैं बनाऊंगा। बताया था उस दिन शादाब क्या बोल रहा है, वो जानता क्या है, उस पर ही आज ये वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ। शादाब की आवाज़ को सुनिए। वो IRPC जो संगठन है उसके वो संस्थापक है, जैसा जाकिर नायक का IRF था उसी तरीके से ये IRPC बनाया है। झारखंड गिरिडीह का रहने वाला है और गिरिडीह का ही मेरा तैयार किया हुआ एक माननीय वकील साहब बलराम जी उसको उसके ऑफिस में जा कर के छकाए थे पहले, इसके बावजूद भी लफाजी कर रहा है। क्या उसकी जानकारी है, जानता क्या है? अभी एक वीडियो उसका और आया है, आज मेरे एक मित्र ने भेजा है कि काफिर किसको कहा गया है, उस पर मैं बनाऊंगा बाद में। अभी ये चौथा भाग इसका सुनिए। वो शादाब उसी गिरिडीह में जो जहाँ स्वामी लक्ष्मी शंकरानंद को बुलाया गया था वहाँ उस प्रोग्राम में वो क्या बोल रहा है, 36 मिनट का उसका वक्तव्य है उसका। तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ हम लोग उस बात की तरफ जो हम में और तुम में बराबरी की है, एकता की है। तुम्हारा इला, तुम सबका इला एक ही इला है, तुम सबका ईश्वर एक ही ईश्वर है, उसके अलावा कोई भी ईश्वर नहीं और वो रहमान और रहीम है। इसने जो बोला है उसमें खोखलापन कहाँ है, उसकी भूमिका में ही मैं आप लोगों को मसाला दे देता हूँ। अल्लाह ने कहा, कुरान का आयत उसने उद्धृत किया है कि तुम्हारे में हम में जहाँ एकता है एकसा है, ये जाकिर नायक भी ये बोल रहा है। जाकिर नायक की दुकानदारी भारत से मैंने ही बंद कराई है, एकसा है ही नहीं है, एकसा कहा है, ये दूसरों को एकसा के लिए ये बोल रहे हैं। और फिर जो इला है वो तुम्हारा है, हमारा है, ईश्वर है, ईश्वर अल्लाह एक है नहीं, अल्लाह कहाँ है, ये उसी के बात में ही मैं आज सारा प्रमाण दे दूंगा आप लोगों को। वो जो सूरह इखलास बोल रहा है उस इखलास में क्या कहा गया वो मैं बताऊंगा, पर ये बता रहा है कि जहाँ हमारी एकता है, जहाँ हम समानता रखते हैं, जहाँ हम बराबरी रखते हैं, जहाँ ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, ये तो आदि सृष्टि से है, जब चाँद और सूरज है जब से, उस समय से ही ईश्वर है और वो एक है। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा एक है, भिन्न और कोई नहीं। एको देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, परमात्मा एक है, भिन्न और कोई नहीं। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमान शान स्थिति धामन धैर्यंत, ऐ लोगों वो परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक सब लोगों का नाम स्थान जन्मों को जानता है, क्योंकि वो सबका गुरु है, आचार्य राजा और न्यायाधीश है, इसलिए सब मिलकर उसी की उपासना करना चाहिए। यह आदि सृष्टि से ही ये चलती चली आ रही है। ओम अग्ने नय सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव वायुनानि विद्वान जो यो धस्मजुहुरान मेनो भूष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। परमात्मा से सहयोग की मांग की गई है, परमात्मा आप हमें सीधा रास्ता दिखाइए, जिस रास्ते पे आप तो लोग चल करके आपको प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे लोगों के रास्ते में हमें चलाइए। ओम सनो बंधुर ओम या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषम यस्य देवः यस्य छाया अमृतम यस्य मृतुः कस्मै देवाय हविषा विदेम। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर आत्मा और समाज का बल का देने हारा, विद्वान लोग जिसकी उपासना करते हैं, क्योंकि उस परमात्मा के सानिध्य में रहना यह अमृत पान करने के समान है और उससे दूर हो जाना यह मृत्यु आदि दुख का हेतु है। ये तो आदि सृष्टि में ही ऋषि मुनियों ने ये बोलते बतलाते आए, लेकिन ये जिस अल्लाह की बात कर रहा है, इला तुम्हारा इला हमारा इला, हमारा इला तुम्हारा इला एक नहीं है, तुम जाहिल हो, मूर्ख हो, तुम्हें अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है, तुम जानते भी नहीं हो कि ईश्वर परमात्मा जो है वो अल्लाह नहीं है। अल्लाह कैसा नहीं है, मैं प्रमाण दे रहा हूं। अल्लाह ने एक आदमी से
दुनिया बनाया, और वो एक आदमी को बनाया मिट्टी से, बताया जा रहा है। और एक जगह नहीं, केवल वो कई जगह कई बातों को बताया, कहीं मिट्टी से बनाया गया, कहीं खनखनाती मिट्टी से बनाया, कहीं गारे से बनाया, कहीं स्त्री और पुरुष से बनाया, और कहीं फूंक मार करके हिलाने पैदा किया ईसा को। ये समानता कहाँ है, वेद में कहाँ है? ये वेद में कहाँ से पा जाओगे इला और उला? ये इला उला चलने वाला नहीं है वेद के पास, सब धरा के धरा रह जाएगा इला और उला। तुमको इला उला का कुछ भी अता पता नहीं है, तुम परमात्मा के बारे में जानते नहीं हो। परमात्मा क्या है? जिस जो परमात्मा जिसको रहीम और रहमान और रहीम बोल रहा है, वो रहीम कहाँ है? वो पशु काटने के लिए हुक्म दे रहा है, बेटे को काटने के लिए भी हुक्म दे रहा है, वो इला कहाँ होगा? वो रहमान कहाँ होगा? रहीम कहाँ होगा? ये तो बकवास बकवास है, लफाजी है। फिर वहाँ भाई बहनों में शादी है, भाई बहनों में शादी वेद में कहाँ मिलेगा और गीता में कहाँ मिलेगा? तू गीता बता करके दिखा रहा, गीता दिखा करके बता रहा है, वेद जबकि वेद का श्लोक नहीं होता, वेद का ये श्लोक बोल रहा है। इस अकल के दुश्मन को ये पता ही नहीं है कि मंत्र क्या है और श्लोक क्या है। इस मंत्र और श्लोक का ही भेद, ये केवल इसी शादाब को ही नहीं अपितु मंत्र और श्लोक का भेद तो मौलाना जर्जिश इसने भाजने वाले उसको भी नहीं पता है। और जितने भी ये चतुर्वेदी, वो जो एक अहमद चतुर्वेदी है, वो चतुर्वेदी उसमें नाम से लिखा चतुर्वेदी, वो भी नहीं जानता है कि श्लोक किसको कहा जाता है और मंत्र किसको कहा जाता है। और ये भी वही बोल रहा है, आइए सुनते हैं क्या बोल रहा है वो और उसका मतलब। ये उसकी भूमिका थी, जबकि उसके 36 मिनट का वीडियो है। इसकी भूमिका में ही मैं इसको पकड़ा, मैं इसका पॉइंट्स दिया कि कहाँ पर हम इसको काट सकते हैं, काटने का क्या तरीका है, उसका जवाब क्या है, वो मैं आप लोगों को दिया। अब आगे देखिए वो क्या। भगवत गीता सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली हिंदू धर्म की किताब है। इसमें लिखा हुआ है कि जो लोग इस दुनिया के भौतिकता के पीछे दौड़ते हैं, वो लोग अर्ध देवताओं की पूजा करते हैं। सूरह मायदा चैप्टर 5 वर्स नंबर 32 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस किसी ने एक बेगुनाह को मारा तो वो इस तरह है कि उसने सारी इंसानियत को मार डाला। यही मेरा मैसेज है कि आपको पढ़ना होगा, आपको एक दूसरे से मिलना होगा, आपको एक दूसरे को जानना होगा, तब आप इन बुराइयों को खत्म कर सकते हो। बंधुओं, आप लोगों ने सुना वो सूरह मायदा का आयत नंबर 32 बोल रहा है, और केवल ये शादा भी नहीं, प्रायः मुसलमान मायदा का 32 आयत का ही हवाला देते हैं। इससे पहले शिफू जी पर मैं बनाया था, आपने देखा होगा, शिफू जी भी हाँक रहे थे, कुरान शरीफ, कुरान शरीफ। उसको कुरान शरीफ या कुरान शरीफ, उसको इतना ही पता नहीं है। ये भी उसी 32 को बोल रहा है, पर 32 में क्या है ये पढ़ के नहीं देखा। 33 में क्या है? 32 तो बोल दिया, लेकिन 33 में क्या है इसको नहीं पढ़ा। यहाँ क्या देखिए, या अल्लाह ने क्या जिक्र फरमाया है कि इन्नमा जज़ाउ अल्लज़ीन युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यसअउन फिल अर्ध फसादन औ युक़त्तलु औ युसल्लबु औ युक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलहुम मिन खल्फिन औ युन्फौ मिन अल अर्ध ज़ालिका लहुम खिज़्युन फिद दुनिया वलहुम फिल आखिरत अज़ाबुन अज़ीम अज़ाबुन अज़ीम। यहाँ क्या बोला है देखिएगा, कि जो लोग खुदा और उसके रसूल से लड़ते हैं, भिड़ते हैं और अहकाम को नहीं मानते और फसाद फैलाने की गरज से मुल्क में यहाँ वहाँ दौड़ते फिरते हैं, और सजा बस उनकी यही है कि चुन चुन करके उनको मार डालो, जहाँ पाओ उन्हें सूलीब दे दो, जहाँ पाओ उनको, उनके हाथ पैर फेर कर एक तरफ का हाथ काटो तो दूसरी तरफ का पाँव काट डालो, जहाँ पाओ उन्हें वतन से निकाल दो और सरजमी से बाहर कर दो। क्या यह रुसवाई तो उनकी दुनिया में हुई और फिर आखिरत में भी उनकी यही बहुत बड़ा अजाब है उनके लिए। ये आयत नंबर 33 में बोला है, सूरह मायदा आयत नंबर 33।
32 का तो हवाला सब लोग देते हैं कि एक इंसान को कत्ल करना मानो पूरी इंसानियत की कत्ल है। जो बोला है ना, मन कतल नफ्स बेगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द औ कुल्लमा बिन्नास जमीआ, तो एक इंसान को मारना सारी मानवता की हत्या है। लेकिन आयत नंबर 33 में क्या बोला वो मैं आप लोगों को सुना दिया हूँ। यहाँ ये साफ शब्दों में अल्लाह ने जिक्र फरमाया जो खुदा का और उसके रसूल से लड़े। अब खुदा से कौन लड़ने जाएगा? इन अकल के दुश्मनों से ये पूछे या खुदा के पास अकल नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है। खुदा खुद लिख रहे हैं, खुद बतला रहे हैं कि क्या जो खुदा से लड़े। भाई खुदा से रसूल से लड़ना तो संभव है, रसूल दुनिया में आए, दुनिया के लोग उनसे लड़ सकते हैं, लेकिन खुदा से लड़े का क्या मतलब? ये अकल भी खुदा को नहीं है। और आज मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि कुरान को कलामुल्ला नहीं, आज मैं 38 वर्षों से तो संपूर्ण दुनिया को छका रखा हूँ और कोई सामने आ नहीं रहा है। और ये मैं बोला ना कि जो पहले पहले कौआ जब गू खाने लगता है तो पूरे शरीर में वो लगा लेता है, मल लेता है, इसी तरीके से ये कौआ गू खाने वाला काम हो रहा है इसका। और ये आइए और क्या क्या बोल रहा है देखिए, इसको सुनिए। इसीलिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिही व असहाबिही अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अहलल किताब तआलू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह व ला नुशरिका बिही शैयन व ला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबा मिन दूनिल्लाह फइन तवल्लौ फकुलु शहदु बिअन्ना मुस्लिमून। ये जो बतला रहा है आयत करीमा, कुरान की आयत है, वाला नुशरिक भी शैया, यानी शरीक ना करो अल्लाह की, अल्लाह की शरीक ना करो। तो अल्लाह की शरीक वेद में नहीं है, आदि सृष्टि में परमात्मा की कोई शरीक नहीं है, पर इस्लाम में कहाँ है ना शरीक? मोहम्मद को हटा करके दिखा दे जरा, कोई भी इस्लाम का मानने वाला अल्लाह के नाम से मोहम्मद का नाम को हटा करके दिखाए। कल तो मैं अपने फेसबुक पेज में भी लिखा था, अल्लाह का कलमा ही एक नहीं है, कलमा अल्लाह बदलते बदल बदल करके बताते रहे। आदम नबी अल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, जब अल्लाह का कलमा ही बदलता है और मोहम्मद का नाम अल्लाह के नाम से जुड़ा हुआ है, फिर वाला नुशरक भी शैया कैसे हो जाएगा, कहाँ से हो जाएगा? और फिर दूसरी बात है कि ये जो औरों को बुला रहे हैं, औरों के लिए कह रहे हैं, औरों के लिए ये कह रहे हैं कि भाई जो तुम्हारे सम है, तुम्हारे ख्यालात के हैं, तुम्हारे विचारों के हैं, उनको मिला। और ये भी कह रहा है हमारा मकसद भी यही है कि हम लोगों के पास जाएं। लोगों के पास जा करके क्या करोगे? वहाँ ये कहाँ बोला है अल्लाह ने कुरान में? तो लोगों के पास जा कर के क्या करोगे? तुम्हारा अल्लाह तो तुम्हारे मुसलमानों को ही एक करके नहीं रख पाए। और तुम जिस आयत को पढ़ रहे हो वो अहले किताब के लिए बताया है अल्लाह ने। वो अहले किताब कौन थे? जो अहले किताब मोहम्मद से पहले कौम के लोग थे उनको अहले किताब बताया गया, और वो किताब भी अल्लाह की दी हुई थी। जब अल्लाह पैगम्बर बदलते हैं वैसे अल्लाह की किताब बदलता है, अल्लाह का ज्ञान बदलता है। जब अल्लाह ज्ञान बदलने वाले हैं उस अल्लाह की क्या बात है, वो कब क्या कह जाएंगे क्या पता। और फिर दूसरी बात है कि देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये मुसलमान को ही इकट्ठा नहीं कर पाए, जिनके रोज़ा एक, नमाज एक, कलमा एक, हज एक, ज़कात एक, कुरान एक, इस्लाम एक, उन लोगों को एक नहीं कर पाए। वहाँ हसन हुसैन को कौन मारने के लिए गया था? हजरत अली को कौन मारा? ये इस तरीके से मार काट वाली कुरान, संपूर्ण कुरान में भरा पड़ा। और ये कह रहा है कि जिहाद के माने जद्दोजहद, आइए उस जगह पहुंचता हूं मैं, बोलूंगा वहां। इसको कुरान का का नहीं मालूम, कुरान का नहीं जानता, ये लफाजी कर रहा है। और ये पढ़ करके किसको आया? ये अहमद दीदाद को, जबकि अहमद दीदाद के ऊपर भी मेरा उसके खिलाफ वीडियो बना हुआ है। अहमद दीदाद भी कुछ नहीं जानता है, जैसे जाकिर नायक को जवाब दिया हूँ, ऐसे जाकिर नायक के गुरु अहमद दीदाद को भी मैं जवाब दिया हूँ। ये अहमद दीदाद का किताब पढ़ करके आया है? अहमद दीदाद की ईसाइयों के साथ डिबेट किया, ईसाई में और इस्लाम में अंतर क्या है?
ईसाई में और इस्लाम में अंतर क्या है? जो कुरान कह रहा है वो बाइबल कह रहा है, ईसा के बारे में तो इख्तलाफ है नहीं। तो खैर आहिस्ता आहिस्ता आइए सुनते हैं ये क्या बोल रहा। आज का दौर जिसमें हम लोग रहते हैं वो लड़ाई और झगड़े का दौर है, इख्तलाफात, डिफरेंसेस, चाहे वो आपके मोबाइल पे आने वाला व्हाट्सएप पे मैसेज हो या फेसबुक के वॉल पे, एक यहाँ दीवार है और एक फेसबुक पे दीवार होता, वॉल होता है, वहाँ पे आने वाला मैसेज हो या टीवी पे चलने वाला डिबेट्स हो, डिबेट्स देखते हैं ना टीवी पे चलने वाला डिबेट्स या प्रोग्राम हो या अखबारात हो, न्यूज़पेपर्स हो, हम लोग हर जगह देखते हैं कि लोग लड़ रहे हैं, लोग बहस कर रहे हैं, लोग आपस में झगड़ रहे, भीड़ रहे हैं, जिससे कि हम लोग को लगता है कि लड़ाई और झगड़ा फैला हुआ हर जगह हर मोड़ पे। और बहुत बार इन लड़ाइयों को इन झगड़ों को जोड़ दिया जाता है धर्म से, झगड़ों को जोड़ दिया जाता है धर्म से। धर्म तो है नहीं कोई, जो धर्म नहीं है वो लड़ाई करना सिखाता है, जैसा इस्लाम, ईसाइयत। क्योंकि धर्म का काम है मनुष्य से मनुष्य को जोड़ना और मजहब का काम है मनुष्य से मनुष्य को जुदा करना, अलग करना, जैसा इस्लाम ने किया, ईसाइयत ने किया है। कुरान के रहते हुए धरती पर शांति का आना संभव कैसे होगा? झगड़ा तो कुरान ने कराया है। कुरान जब तक है तब तक दुनिया से झगड़ा समाप्त कहाँ होने वाला है? कुरान में तो अल्लाह ने खुद झगड़ा कराया है। तो धर्म के नाम से लड़ाई जो है, धर्म वो है नहीं जो लड़ाता हो। धर्म का काम है मनुष्य से मनुष्य को जोड़ना और मजहब का काम है मनुष्य से मनुष्य को जुदा करना। जैसा पहले भी मैं बोल रखा हूँ, महात्मा बुद्ध आए दुनिया वालों को बौद्धिस्ट बनाया, वो अगर अब तक नहीं आते कौन बौद्धिस्ट बनता? ईसा मसीह आए उसने दुनिया वालों को ईसाई बनाया। ठीक इसी तरीके से कुलीन न्योमृतान अकून अव्वला मन असलम अवला तकून अन्न मन मुशरिकिन, मैं पहले भी बोल रखा हूँ। हजरत मामा साहब आए, इन्होंने दुनिया वालों को मुसलमान बनाया। तो अल्लाह ने तो झगड़ा कराया मुस्लिम और गैर मुस्लिम में, दीनदार और ईमानदार में। ये अल्लाह का काम है झगड़ा लगाने का। तो अल्लाह, ये इस्लाम मजहब है और मजहब के नाम से झगड़ा हुआ है, हो रहा है, आज भी हो रहा है। जब से इस्लाम आया धरती पर तब से झगड़ा होता आया है। यह फ्रांस में गला कौन काटा, किसने काटा? इससे पहले भी एक बार एक ने कार्टून बनाया था डेनमार्क में, उसका भी मारा, उसको भी मारा, उसका भी गला काटा। ये क्या है? इसी का नाम है जुनून, मजहबी जुनून। और यही मजहबी जुनून ही मानव को मानव से लड़ाता है, जो कुरान का हुक्म है। क्योंकि जब इस तरह का टॉपिक आता है और नारे लगते हैं तो लोग सोचते हैं कि धर्म के वजह से ही ये लड़ाइयाँ हैं, ये जो झगड़े हैं, ये जो लड़ाइयाँ हो रही है टीवी पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अखबारात में, सबका वजह धर्म है, सबका कारण रिलीजन है। तो क्योंकि मैं इस्लाम एंड कंपेरेटिव रिलीजन का एक स्टूडेंट हूँ, इस्लाम और तकाबले मजाहब का एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं ये जानता हूँ कि कोई भी धर्म, चाहे वो हिंदुज़म हो, चाहे वो सिखिज़म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो इस्लाम हो, कोई भी धर्म अपने मानने वालों को बेगुनाह को मारने नहीं बोलता। कोई भी धर्म कह रहा है तो बिल्कुल मूर्खानंद है। अल्लाह ने किसी और को धर्म माना है क्या? कुल इन्नी उमिर तो अन अकून अव्वला मन असलम वला तकून अन्न मिनल मुशरिकीन। तो अल्लाह ने कहा ही कहा, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वमख्तलफल लदीना उतुल किताब वमन यबतगी गैरल इस्लाम दीनन। पहले भी मैं बोल रखा हूँ, किसको धर्म बोला? अल्लाह ने धर्म माना किसी और को? अल्लाह ने बोला एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है। तू किस अनेक धर्म क्यों और कैसे चिल्ला रहा है? दुनिया को मूर्ख बना रहा है। तू मूर्ख है तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि दुनिया भर सारे लोग जाहिर हो जाएंगे तेरे जैसे ही। जब अल्लाह ने किसी और को धर्म माना ही नहीं तो किसी और को धर्म तू क्यों और कैसे कह रहा है भाई? तेरी बात तो झूठी है। और इस्लाम तो सबसे आगे बढ़ता है और कहता है अपने मानने वालों को, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मायदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, सूरह कहते हैं चैप्टर को, पार्ट को, और आयत कहते हैं लाइन को, वर्स को। तो चैप्टर 5 वर्स नंबर 32 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मन कतल नफ्सन बिगैरी नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल नास जमीया। लेकिन 33 में क्या है इसको नहीं पढ़ा। यहाँ क्या देखिए, या अल्लाह ने क्या जिक्र फरमाया है कि इन्नमा जज़ाउ अल्लज़ीन युहारिबून मा अहारिबून
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أو يقتلوا أو يسلبوا أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم عذاب عظيم. یہاں کیا بولا ہے دیکھیے گا کہ جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں بھڑتے ہیں اور احکام کو نہیں مانتے اور فساد پھیلانے کی غرض سے ملک میں یہاں وہاں دوڑتے پھرتے ہیں اور سزا بس ان کی یہی ہے کہ چن چن کر کے ان کو مار ڈالو جہاں پاؤ, انہیں سولیب دے دو جہاں پاؤ ان کو, ان کے ہاتھ پیر پھیر کر ایک طرف کا ہاتھ کاٹو تو دوسری طرف کا پاؤں کاٹ ڈالو, جہاں پاؤ انہیں وطن سے نکال دو اور سرزمین سے باہر کر دو. کیا یہ رسوائی تو ان کی دنیا میں ہوئی اور پھر آخرت میں بھی ان کی یہی بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے. یہ آیت نمبر 33 میں بولا ہے, سورہ مائدہ آیت نمبر 33, کہ جس کسی نے ایک بے گناہ کو مارا تو وہ اس طرح ہے کہ اس نے ساری انسانیت کو مار ڈالا. تو اسلام سب سے آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ نے ایک بے گناہ کو مارا تو وہ اس طرح ہے کہ آپ نے ساری انسانیت کو مار ڈالا. لیکن 33 میں کیا ہے اس کو نہیں پڑھا. یہاں کیا دیکھیے, یہاں اللہ نے کیا ذکر فرمایا ہے کہ انما جزاء الذين يحاربون ما يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا او يقتلوا او يسلبوا او يقطع ايديهم وارجلهم من خلف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم عذاب عظيم. یہاں کیا بولا ہے دیکھیے گا کہ جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں بھڑتے ہیں اور احکام کو نہیں مانتے اور فساد پھیلانے کی غرض سے ملک میں یہاں وہاں دوڑتے پھرتے ہیں اور سزا بس ان کی یہی ہے کہ چن چن کر کے ان کو مار ڈالو جہاں پاؤ, انہیں سولیب دے دو جہاں پاؤ ان کو, ان کے ہاتھ پیر پھیر کر ایک طرف کا ہاتھ کاٹو تو دوسری طرف کا پاؤں کاٹ ڈالو, جہاں پاؤ انہیں وطن سے نکال دو اور سرزمین سے باہر کر دو. کیا یہ رسوائی تو ان کی دنیا میں ہوئی اور پھر آخرت میں بھی ان کی یہی بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے. یہ آیت نمبر 33 میں بولا ہے, سورہ مائدہ آیت نمبر 33. اور جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا, دھرم میں ایکتا, تو دھرم کو سوامی جی نے تو اچھا بہت ہی اچھا ڈیفائن کیا, پھر بھی میں آکسفرڈ ڈکشنری کا ایک ڈیفینیشن پیش کرنا چاہتا ہوں. دھرم کو آکسفرڈ ڈکشنری اگر آپ پڑھیے گا ریلیجن کو, تو وہ ڈیفائن کرتا ہے ایز اے بلیف ان اے سپر ہیومن کنٹرولنگ پاور اسپیشلی اے گاڈ اور گاڈز اینڈ ہو از انٹائٹل ٹو یور ورشپ اینڈ اوبیڈینس. کہ دھرم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی سپر ہیومن کسی ایسی طاقت پہ مانیں جو آپ سے اوپر ہو اور جس کو ہم لوگ خدا بولتے ہیں, جس کو اللہ بولتے ہیں, ایشور بولتے ہیں, واحو گرو بولتے ہیں, اور اسی کی بات مانی جائے گی اور اسی کی عبادت ہوگی, اسی کی اپاسنا ہوگی. یہ دھرم کا ڈیفینیشن ہے. اور ایکتا, ہمارے چیئر پرسن نے بتایا ایکتا کا مطلب یونائٹ ہونا. ایکتا کپور نہیں, اسٹار پلس ایکتا کپور مت سمجھیے گا. اسلام والوں نے کبھی ایکتا کیا ہے؟ جنم کال سے لے کر کے اب تک اسلام میں ایکتا ہے؟ ارے وہ سمے تو جو مارا وہ مارا ہی ہے. آج تک شیعہ اور سنی میں ایکتا ہے؟ قرآن ایک, نماز ایک, روزہ ایک, حج زکات سب ایک, اسلام بھی ایک. تو ایکتا اسلام شیعہ اور سنی میں کیوں نہیں کر پائے؟ تم یہ گیتا والوں کو اور مہابھارت کو, رامائن کو اور وید کے لیے تم بتلا رہے ہو, جو قرآن کے ماننے والے ہیں ان قرآن والوں سے ایکتا کیوں نہیں کر لیتے؟ ارے تمہاری دشمنی تو یہاں تک ہے کہ ایک دوسرے کے مسجد میں نماز تک نہیں پڑھ سکتے. اس سے کیا
बेशर्मी की बात और होगी इस्लाम में, केवल मस्जिद में नमाज ही नहीं अपितु एक दूसरे के कब्रस्तान में दफना भी नहीं सकते। दफना दोगे तुम सुन्नी वाले शियाओं के कब्र में, कब्रस्तान में, और तुम्हारे कब्रस्तान में शिया दफना सकते हैं? जब तुम्हारे इतनी मतभेद आपस में ही है और 72 फिरके होंगे, सारे जहन्नुमी होंगे, एक जाएंगे जन्नत में, वो कौन जाएगा? ना शादाब को पता है और ना शादाब के अब्बा को पता है, और ना तो इस्लाम को पता है और ना ये अहमद दीदाद को पता है। ये बकवास करने के लिए ही केवल इस्लाम बकवास करता है। इस्लाम में कैसा बकवास है? अल्लाह की दुगलापन मैं आज आप लोगों को उठा करके दूंगा, अल्लाह ने क्या दुगलापन किया है। आगे सुनिए वो क्या बोल रहा है। एकता का मतलब होगा धर्म में एकता, यूनाइट होना। तो धर्म में एकता मतलब हम लोग किस तरह धर्म में एकता की बात कर सकते हैं? तो इसके लिए मैंने एक आयत पढ़ी आपके सामने। जब अपनी बात को शुरू किया तो मैंने एक आयत पढ़ा, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल या अहलल किताब, कहो जाओ अहले किताब से। अहले किताब बोलते हैं यहूद और नसारा को, ज्यूज एंड क्रिश्चियन को। इस अल्लाह की ना इंसाफी को देखिए, जिस अहले किताब जिसको ये बता रहा है, जो यहूदी और नसारा को बोल रहा है, तो इसी यहूदी और नसारा को इस्लाम के साथ जोड़ करके नहीं देख पाया अल्लाह, उसमें एकता नहीं करा पाए, और सब में पैगंबर भी अलग, किताब अलग, और हर एक बात को अलग अलग तरीके से अल्लाह ने बोला। अल्लाह का ज्ञान पूर्ण कहाँ है? अल्लाह का ज्ञान तो पूर्ण नहीं है, तभी तो अल्लाह को ज्ञान बदलना पड़ा। जैसे मैं बोला ना, यहाँ पैगंबर भी बदल बदल करके आए, और अल्लाह के नाम के साथ पैगंबर का ही नाम जुड़ा हुआ है। अब अहले किताब के लिए तू बता रहे हो, तो उस किताब को भी तू, उस पर भी तो तुम्हें ईमान लाना पड़ेगा, उस किताब को भी तुम्हें मानना पड़ेगा, उसके बगैर तुम हट नहीं सकते, जा नहीं सकते, अलग नहीं हो सकते, उस पर भी तुम्हें ईमान लाना होगा। तो अल्लाह ने कौन सी बात अल्लाह की सही है, किसको माना जाएगा? अहले किताब को जो किताब दी वो सही है, या ये तुम्हें जो दिया जा रहा है, मोहम्मद को जो दिया है वो सही है? अल्लाह तो अपनी बातों को ही सही सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। अल्लाह सिद्ध कर नहीं, क्यों नहीं पाएंगे? मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। अल्लाह तो दुगलापन का काम करता है। कैसा दुगलापन है अल्लाह का, देखिए मैं कुरान से ही उठा के दे रहा हूँ। وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُونَ يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيَاطِينَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيَاطِينَ كَانَ لِلنَّاسِ عَدُوًّا مُبِينًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَاءَ يَرْحَمُكُمْ أو إن يشاء بعذبكم وما أرسلنا عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا। यहाँ अल्लाह ने क्या बतलाया, देखिएगा कि मेरे बंदों से कह दे कि वो बहुत ही अच्छी बात मुंह से निकाल कर क्यों ना शैतान आपस में फसाद लड़ाता हो, उतारता हो। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। अब कुरान कह रहा है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, और शैतान को खुला दुश्मन इंसान का बनाया किसने? अल्लाह ने। और अल्लाह ने शैतान को केवल खुला दुश्मन ही नहीं बनाया, अल्लाह ने शैतान को दुश्मन बनाने के साथ साथ अल्लाह ने वरदान दिया। मैं आज 2 दिन पहले अपने फेसबुक पेज में भी लिखा था इस बात को कि अल्लाह ने शैतान को वरदान भी दिया और मनुष्य मात्र के दुश्मन बनाया, और शैतान भी बिल्कुल वादे का पक्का था, वो भी अल्लाह के सामने उंगली नचाकर कहा कि मैं उसको निकालूंगा, तुम्हारा रब तुमसे बहुत बहुत निस्बत तुम्हारे भी बहुत ज़्यादा जानने वाला है, अगरचे चाहे कि तुम पर रहम कर दे, चाहे तुम्हें सजा दे, हमने तुझे इनका ज़िम्मा ठहरा कर नहीं भेजा, आसमान और ज़मीन में जो भी है तेरा रब सब कुछ बखूबी जानता है, और
पैगंबर भी बास बेहतर और उतरती है, देख रखी है। दाऊद को अल्लाह ने जबूर अता फरमाई, दाऊद को अल्लाह ने जबूर नामी किताब दी, और उस जबूर के साथ ये कुरान वालों को भी मानना पड़ेगा, तो जबूर को मानना ही पड़ेगा, तो फिर जबूर को हटा करके कुरान ही क्यों देना पड़ा। लेकिन मैं यहाँ कुछ और बता रहा, अल्लाह का दुगलापन देखिए, अल्लाह ने शैतान को वरदान दिया, शैतान को अल्लाह ने मनुष्य मात्र का खुला दुश्मन बना दिया, और शैतान को वरदान दिया कि हाँ वो बहका सके, वो शैतान खुद कह रहा है, कुरान में ही कहा قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فبما اغويتني لا اقودن لهم صراطك المستقيم تیرا سیدھا راستہ پہ جو رہے گا اس کو میں گمراہ کروں گا۔ اور اللہ نے گمراہ کر کے دکھایا، آدم کو گمراہ کر دیا، جس آدم کے لیے شیطان بنایا اس کو، یعنی اللہ کو پہلے سے معلوم تھا، لیکن پہلے سے معلوم تھا یہ جو لوگ کہتے ہیں بالکل کورا جھوٹ ہے، اللہ کو کچھ بھی عطا پتا نہیں۔ اللہ کو اگر معلوم ہوتا، جس سمے شیطان آدم شیطان کو شیطان نے آدم پتی پتنی کو پھل کھلا رہے تھے، جس کو کھانے کے لیے منع کیا تھا اللہ نے، وہی کھلا رہے تھے، تو اللہ کو پتا کیوں نہیں لگا؟ کھانے کے بعد جب یہ نربستر ہو گئے تب پتا لگا، اور شیطان نے بولا میں تو نے گمراہ کیا مجھ کو، یہ شیطان اللہ کے سامنے انگلی نچا کر کہہ رہا ہے، گمراہ کیا تو نے مجھ کو، میں بھی اس کے طاق پر رہوں گا، جو تیرے راستہ پر ہوگا اس کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے میں گمراہ کروں گا، اور یہ کر کے دکھایا۔ اب اللہ نے اتنے ارمان سے بنایا آدم کو، وہی آدم ہی اللہ کے حکم عدولی کی حکم نہیں مانا، اور شیطان کی بات کو مان لیا، تو آدم اللہ کے راستے پہ تھا یا نہیں تھا؟ اور اللہ نے خود کہا جو میرے سیدھا راستہ پر ہوگا اس کو تو گمراہ نہیں کر سکتا، اس نے بولا میں اسے ہی گمراہ کروں گا جو تیرا سیدھا راستہ پر رہے گا، اور آدم کو گمراہ کر کے دکھایا، کیول گمراہ نہیں کیا، اس کو نربستر کر کے نکالا جنت سے، پتی پتنی دونوں کو نربستر کر کے نکالا۔ اللہ کو اس سمے پتہ بھی نہیں لگ پایا جس سمے پھل کھا رہا تھا، یہ ہے اللہ، اللہ کا دوگلاپن اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے، جس اللہ نے چور کو چوری کرنے کے لیے بول دیا اور گھر والوں کو کہہ دیا سترک رہنا، یہاں وہی کام ہو رہا ہے۔ اللہ نے وردان دیا شیطان کو، بہکاؤ منش ماتر کو، اور اس آیات میں کیا بولا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یہ ہے اللہ کا دگلاپن، اور اسی دگلاپن کی بات یہ قرآن میں ہے، جس قرآن کی چرچا یہ کر رہا ہے۔ آگے سنیے اور کیا بولا، یہ جو میں ابھی سنایا ہوں یہ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 ہے، بنی اسرائیل کا 53, 54, 55 نمبر آیت ہے، تو قرآن بھرا پڑا ہے، ایک دو جگہ نہیں، سورہ آراف میں ہے، سورہ بقر میں بھی ہے، اور کئی جگہ شیطان کی باتیں قرآن میں بہت جگہ پا جائیں گے آپ، ایک دو جگہ نہیں، قرآن بھرا پڑا ہے شیطان شبد سے اور شیطان کی باتوں سے، جس شیطان کو ہی اللہ نہیں منا پائے، اب اللہ جانتے ہیں، بتایا جا رہا ہے شیطان دیکھی کہاں کہاں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سورہ ابراہیم آیت نمبر 22، سورہ بقرہ آیت نمبر 275، سورہ یوسف آیت نمبر 100، سورہ نور آیت نمبر 21، سورہ قصص آیت نمبر 15، سورہ انفال آیت نمبر 84، سورہ اعراف آیت نمبر 27، 11 سے لے کر کے 27 تک، سورہ نساء آیت نمبر 83، یہ قرآن میں بھرا پڑا ہے، میرے پاس 51 جگہ کا نوٹ ہے، قرآن میں 52 جگہ آیا ہے اس شیطان کی گھٹنا۔ تو ایسے ہی شیطان کو ہی اللہ نے وردان دیا ہے، تو جو اللہ شیطان کو وردان دے منش ماتر کو گمراہ کرنے کے لیے، اور وہی اللہ پھر کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تو دبلا کس کو کہیں گے آپ؟ یا اللہ کا کام دبلا پناہ کا ہے، اور یہ لوگ بھی اسی طریقے سے دبلا پناہ کی کام کرتے ہیں۔ آگے چلیے وہ کیا بول رہا ہے، دیکھیے یہ چوتھا بھاگ میں شاداب کے اوپر یہ بنایا، شاداب کا اور بھی ہے مکتب، میں ایک ساتھ بنانا اس لیے نہیں چاہتا ہوں، لمبا ہو جائے گا، اسی لیے یہ لگ بھگ 35-36 منٹ کا بن چکا ہے،
आगे शादाब का एक भाग और बनेगा जो भाग नंबर 5 होगा। तो कुरान तो पूरी बकवास है, इसीलिए मैं आज 38 वर्षों से संपूर्ण विश्व के आंगन में इसे सिद्ध कर चुका हूँ कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करना संभव नहीं है। कैसा संभव नहीं है? डॉक्टर जाकिर नाइक को भी यही सवाल से ही हराया, उसको तो सामने आने ही नहीं दिया। 3 बार समय दे करके मुकरा है, वो यूट्यूब में सारा लगा हुआ है, सुदर्शन न्यूज चैनल में भी देख सकते हैं जाकिर नाइक का पर्दाफाश। और उसी अहमद दीदात को भी जवाब दे रखा हूँ, जबकि अहमद दीदात मर चुका है। अहमद दीदात था भारतीय लेकिन विदेश में जा करके मरा है, जूनागढ़ का था वो। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाओ ना, तुम्हारा बिस्मिल्लाह ही गलत है। आगे वो देखेंगे, वो जो बताया है वो सूरह, कई जगह का उदाहरण दिया है, सूरह इखलास का भी बोला है, वो सब का जवाब मैं दूंगा अगले वीडियो में। भाग नंबर 5 होगा, ये है भाग नंबर 4। शादाब का आज यहीं तक समाप्त करते हैं, शादाब का एक भाग और बनाऊंगा और फिर उसका एक छठा भाग एक और बनेगा जो काफिर के लिए, काफिर का परिभाषा बताया, उस पर भी मैं बनाऊंगा, जो आज मेरे मित्र ने ही भेज दिया, कल रात को ही भेजा है, आज मैं देखा हूँ। खैर, तो आज इन्हीं बातों को, मैं अपनी बातों को यहीं पर ही समाप्त कर रहा हूँ। ये शादाब का जो जवाब दिया ये भाग नंबर 4 है, अगला आएगा भाग नंबर 5। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे, सच्चाई मालूम हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल दबाना ना भूलना। सच्चाई को उजागर करना ये मानव मात्र का काम है, तो इसीलिए हम और आप साथ मिल करके सत्य को उजागर करने में हमें एक दूसरे के साथ मिल करके काम करना होगा, तभी ये जो कूड़ा कचरा है ना, ये सब तभी समाप्त करना संभव होगा। क्योंकि ऋषि दयानंद की भी मान्यता यही रही है कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। कोई विद्या की वृद्धि करना चाहे तो संभव नहीं होगा, क्योंकि अविद्या का नाश पहले होगा। अविद्या का नाश पहले करके तभी विद्या की वृद्धि हो पाएगी। जो लोग खेती करते हैं ना, आप लोगों ने भी देखा होगा, जो कल्टीवेशन करते हैं, खेती करते हैं, वहाँ पर वो खरपतवार को बाहर फेंक देते, उसके बाद अनाज बोया जाता है। तो ये भारत में ही नहीं, विश्व के आंगन में ये जितने भी खरपतवार हैं, ये खरपतवार को हटाने के बाद ही वेद रूपी अनाज को बोया जाना संभव है। इसीलिए खरपतवार को हटाने में आप लोगों का सहयोग अनिवार्य है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दे रहा हूँ। पंडित महेंद्र पाल आर्य का ये भारत माता की जय।